माननीय विधायक जी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं अभी, तो आएंगे वो अपने घर, तो तब इसको जरूर देखेंगे और जरूर इस पर नजर डालें और इसको बनवाएं, क्योंकि कोई भी घटना हो उससे पहले ही हमको उस बात को ध्यान में रख लेना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। बता दूं मैं आपको, मैं अभी गुलपाड़ा से लगभग यहाँ से गुलपाड़ा होगा 1 से 2 किलोमीटर होगा, उससे पहले ही एक पुलिया जिसे कहते हैं पुल है थोड़ा, और वहाँ पर सड़क जो है सीकरी और गुलपाड़ा के बीच का, वहाँ आप देख सकते हैं। बताऊँ क्या इसको क्या कहते हैं, आप ही बताइए मुझे। तो एक बड़ा एक हॉल हो गया है और एकदम बैठ गया है सड़क, पूरी तरह से अंदर धस गया है। ये सड़क के हालात यहाँ हो गए हैं मेरे हिसाब से, इसको 10 दिन से ऊपर हो गए हैं और अभी तक 10 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन के पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं उनको इसका भी ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान होता तो शायद कुछ होता। अब यहाँ होता ये कि इसको बनाया जाना था, क्योंकि ये एक जो सड़क है, ये मार्ग जो है, ये नगर के जाने के लिए या फिर आप आगे जा रहे हैं और डीग जाने के लिए, भरतपुर जाने के लिए, सीकरी के जो लोग हैं उनके लिए एक मुख्य मार्ग है। इस मुख्य मार्ग पर भी इस तरह के हालात हैं जहाँ पर पुलिया जो है वो अंदर चला गया है। अब ऐसा नहीं, ये हादसा कभी भी हो सकता है, इसमें कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि आदमी अगर जिसको पता नहीं है पहली बार आ रहा है, ओवर स्पीड भी अगर वो आ रहा है तो वो डायरेक्ट यहाँ जा सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। मैं ये चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही हमारे यहाँ माननीय विधायक जी भी अगर देख रहे हैं, लेकिन वो अभी ऑस्ट्रेलिया हैं, अगर वो यहाँ होते तो शायद वो नगर जाते तो ये रास्ते में दिख जाता, तो फ़ोन करके कहते भैया आप इसको बनवा दीजिए, कोई नहीं कोई ना कोई यहाँ आएगा और कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी वो यहाँ है नहीं है, लेकिन आएंगे तो क्या पता तब तक बन जाए, अगर तब तक आने से पहले बन जाए तो अच्छी बात है, अगर आ जाते हैं और तब कहते हैं तब और ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे तो लग रहा है कि मेरे वीडियो के बाद शायद यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग, हमारे विधायक, हमारे यहाँ के प्रशासन के लोग, उन लोगों तक ये बात जाएगी, क्योंकि आमजनी से परेशान है, बार बार लोग कह रहे हैं फ़ोन करके जी वहाँ तो गड्ढा है गो, और गड्ढा में कभी कुछ होगा तो फिर हम कहाँ करेंगे। तो भैया अब मैं ये बता दूँ, मेरा काम ये है कि आपकी जो खबर, आपकी जो समस्या है उसको चलाने का और प्रशासन को बताने का। तो अभी मैं बता दूँ फिर से कि ये जो गड्ढा है काफ़ी एकदम इसमें हॉल हो गया है, पूरी तरह से सड़क चला गया है और सड़क अभी नया बना है, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तभी शायद, मुझे लग रहा है कि तभी उससे पहले थोड़े दिन पहले बना है। और इस मार्ग पर भी अचानक से इस तरह से बैठ जाना एक बड़ी बात है। चलिए लोग आ रहे हैं। हाँ जी, सर। हाँ जी, क्या नाम है? समून खान, बेग पहाड़ी। कहाँ जा रहे हैं? सीकरी सर। सीकरी से कहाँ जा रहे हैं? गुलपाड़ा जा रहे हैं भाई साहब, गुलपाड़ा से डावक जाएंगे। अच्छा, आप गोपी डावक। अच्छा, ये जो सड़क एकदम टूट गया है इसको लेकर आप क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, कोई भी हादसा हो सके इसमें। अच्छा, हादसा हो सकता है? कोई भी हादसा हो सके, आदमी की जान भी जा सके इसमें। क्या चाहते हो भाई साहब इसमें? तो भाई काम होना चाहिए इसमें, ये पुलिया टूट गई है, इसमें कोई भी हादसा हो सके इसमें बाई चांस। बिल्कुल, विधायक साहब से कहो कि इस पुलिया को बनवा जल्दी से जल्दी। विधायक थोड़ी ना बनाएंगे यार, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग बनाएंगे, पीडब्ल्यूडी विधायक भी कहेंगे उनसे। हाँ, मान रहे हैं, यहाँ का आदमी जो है वो विधायक के नाम कर देता है, भैया ऐसे थोड़े यहाँ सारा काम विधायक करेंगे। अब बता दें, ये बात सही है, लोगों को समस्या जो है वो अपनी समस्याओं को बताते हैं, तो उनका कहना है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, अगर इसका समाधान नहीं होता तो यहाँ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। और हम आपको बता दें, यहाँ से बस भी अभी जा रहा है जो कि फिरोजपुर झिरका से नगर के लिए जा रहा है, और ये रास्ते में इस तरह से पुलिया टूट जाने के बाद बस वाले को रुकवाए। जी, कब से टूटा हुआ है पुलिया? बारिश हुई जब टूटा हुई। कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी तो है ही है, गाड़ी वाले को बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, ये तो बनना चाहिए, बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है बनना, बहुत जरूरी है ना बनना। हाँ, बहुत जरूरी है बनना, ये और भी दिक्कत आ रही है ना इसकी वजह से, आम पब्लिक के लिए परेशानी है, गाड़ी अभी गिर जाती है इसमें तो क्या हो। हाँ, पूरी तरह से मरम्मत करानी चाहिए ना। हाँ, पूरी तरह से। चलिए, बस वाले को हमने रुकवाया, हम आपको बताते हैं ये गड्ढा जो है वो हो गया है उसकी वजह से, क्योंकि ये पुलिया जो थी वो टूट जाने की वजह से, क्योंकि इसके अब मरम्मत होनी ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ ये बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में आमजन के लिए जो यहाँ पर राहगीर होंगे उनके लिए परेशानी हो सकती है और कोई भी बड़ी दुर्घटना और घटना हो सकती है, उससे पहले आप लोग सावधान, अगर इस सड़क पर, इस मार्ग पर आप चल रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं हमारे साथ, बने रहे डीटीवी पर कैमरा पर्सन के साथ। मैं आपका अपना अजय कोहली, और फिर से कहना चाहूँगा यहाँ के जो भी पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, यहाँ के
मान्य विधायक जी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं अभी, तो आएंगे वो अपने घर तो तब इसको जरूर देखेंगे और जरूर इस पर नजर डालें और इसको बनवाएं, क्योंकि कोई भी घटना हो उससे पहले ही हमको इस बात को ध्यान में रख लेना चाहिए।